सूक्त 27वां देवता अग्नि। अग्नि की संविधाएं ऊंची और वीर्य तेज युक्त होते हैं। यह अत्यंत प्रदीप्त सुंदर एवं सूर्य के समान है। प्राणदाता अग्नि का यज्ञों में बहुत सहयोग रहता है। अग्निदेव सभी देवों में श्रेष्ठ हैं और मधु से मार्गों का शोधन करते हैं। सुंदर कर्म करने वाले तथा सभी मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय सविता देव तथा संसार के द्वारा वरण करने योग्य अग्निदेव यज्ञ को मधुयुक्त करते हुए व्याप्त होते हैं। घृत एवं हव्य अन्न के सहित स्तुतियों को प्राप्त करने वाले अग्निदेव सामने से आते हैं। यज्ञों में देवों की संगति करने वाले अग्निदेव इस यज्ञ की महिमा और स्त्रुवों को अपने से युक्त करें। देवों की संगति करने वाले एवं हर्ष उत्पन्न करने वाले यज्ञों में तारक और धन को बढ़ाने वाले वरुण देवता निवास करते हैं। अग्नि की तेजस्वनी लपटें यजमान के व्रत की सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। महत्व वाले तथा गतिशील अग्निदेव इस यज्ञ में तेज को ऐश्वर्य पूर्ण एवं आहुति की दीप्त का संपादन करते हैं। हे होताओं, यज्ञ की इस अग्नि की प्रशंसा करो, इससे हमारा कल्याण होगा। पृथ्वी, अग्नि और सरस्वती ये तीनों देवियां प्रशंसा करती हुई कुश पर विराजमान हैं। हे त्वष्टा देव, हमारे जल, अन्न और धन की पुष्टि करते हुए तुम इस स्त्री की नाभि खोल दो। हे वनस्पति, तुम शब्द करती हुई अपने आप को इस यज्ञ में छोड़ो तथा अग्नि इस हवि को देवों के लिए स्वादिष्ट बनाए। हे जन्म लेने वालों के ज्ञाता अग्नि देव, इंद्र के निमित्त इस यज्ञ को संपन्न करो। सभी देव इस हवि को ग्रहण करें। सूक्त 28वां देवता त्रिव्रत अग्नि। हम 100 वर्ष की आयु पाने के लिए नव प्राणों को इन तीन से संयुक्त करते हैं। इन 9 में सोने, चांदी और लोहे के 3-3 धागे अर्थात तार हैं, जो उष्णता लिए हुए हैं। अग्नि, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, जल, आकाश, अंतरिक्ष, दिशाएं और उपदिशाएं इस त्रिव्रत अर्थात 9 कर्मों से मुझे ऋतुओं सहित प्राप्त होकर पार करें। इसमें ऋतुओं के अंश भी सहायता करें। 3 पुष्टि कारक इस त्रिव्रत के आश्रित हों। उषा देवी दूध और घी से इस यज्ञ कर्म को बढ़ाएं। इसके आश्रय में अन्न, पुरुषों और पशुओं की अधिकता रहे। आदित्य इस बालक को धन से पूर्ण करें। हे अग्नि, तुम स्वयं बढ़ते हुए इस बालक की भी वृद्धि करो। हे इंद्र, तुम इसे वीर्य युक्त करो। पोषण करने वाला त्रिव्रत इसका आश्रित हो। पृथ्वी, स्वर्ग के द्वारा तेरी रक्षा करे। विश्व का भरण पोषण करने वाले अग्नि देव लोहे के द्वारा तेरा पालन करें तथा तुझमें लताओं से प्राप्त जल के द्वारा बल धारण करें। जन्म से ही यह स्वर्ण 3 प्रकार से उत्पन्न हुआ है। अग्नि को उस स्वर्ण का एक जन्म प्रिय हुआ। वह सोम के पीड़ित होने पर गिरा। विद्वान लोग एक को जलों का वीर कहते थे। हे ब्रह्मचारी, वह स्वर्ण तेरी आयु वृद्धि के हेतु त्रिव्रत अर्थात तिगुना हो जाए। जमद अग्नि ऋषि की 3 आयु हैं, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। महर्षि कश्यप की भी यही 3 अवस्थाएं हैं। अमृत के निदर्शन रूप में 3 आयु मैं तुझे प्रदान करता हूँ। त्रिव्रत रूप से 3 समर्थ स्वर्ण 1 अक्षर पर आकर शक्तिशाली बनते हैं। वे सभी पापों को नष्ट करके अमृत के द्वारा तेरी मृत्यु को समाप्त करें। आकाश स्वर्ण के द्वारा तेरी रक्षा करे। मध्य लोक से रजत तेरी रक्षा करे। पृथ्वी लोक तेरी रक्षा करे। ये 3 देव नगरियों को प्राप्त होते हैं।
ये देवताओं की जो तीन नगरियां हैं वे सभी ओर से तेरी रक्षा करें। उन्हें धारण करता हुआ तू अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी बन। देवों के आगे प्रमुख देव ने स्वर्ण रूपी अमृत को बांधा था। मैं उसके लिए 10 बार नमस्कार करता हूँ। वह देवता मुझे इस त्रिव्रत को मांगने की आज्ञा दें। अर्यमा, उषा और बृहस्पति तुझे भली प्रकार बांधे। दिन में उत्पन्न होने वाले का जो नाम है उस नाम से हम तुझे बांधते हैं। हे ब्रह्मचारी, आयु और तेज की प्राप्ति के लिए मैं तुझे ऋतुओं, मासों और संवत्सरों के तेज रूप सूर्य से संबंधित करता हूँ। घी से तर तथा शहद से सींचा हुआ तू पृथ्वी के समान दृढ़ है। तू शत्रुओं को चीरता हुआ एवं उन्हें तिरस्कृत करता हुआ महान सौभाग्य देने के लिए मुझ पर स्थित हो। सूक्त 29वां देवता जातवेद। हे सभी कर्मों में प्रथम नियुक्त होने वाले अग्नि देव, मेरे द्वारा किए गए इस कार्य का भार भी वहन करो। तुम औषधि प्रदान करने वाले वैद्य हो। हम तुम्हारे द्वारा गाय, अश्व एवं मनुष्यों को रोग रहित दशा में प्राप्त करें। हे जातवेद अग्नि देव, जो हमारे विरुद्ध खेल खेल रहा है तथा जो हमारा भक्षण करना चाहता है, सभी देवों के साथ मिलकर उसका परकोटा गिरा दो। हे अग्नि, तुम सभी देवों के साथ मिलकर ऐसा यत्न करो जिससे उसका परकोटा गिर जाए जो हमारे विरोध में खेल खेल रहा हो और जो हमें खाना चाहता हो। जो पिशाच हमें खाना चाहता है तुम उसकी आंख फोड़ दो, जीभ काट डालो और दांत तोड़ दो। इस प्रकार तुम उसका विनाश कर दो। हे अग्नि देव, इसका जो मांस पिशाचों ने इसके शरीर से नोच कर खा लिया है उसे इसके शरीर में पुनः स्थापित कर दो तथा मंत्र शक्ति से इसके शरीर में प्राणों का पुनः संचार करो। हे अग्नि, जो पिशाच कच्चे, पक्के और चितकबरे पात्र में विशेष रूप से पके हुए एवं कच्चे पक्के भोजन में इस पुरुष के मांस को घोलकर हमारे विनाश की इच्छा कर रहा है, वह पिशाच अपनी संतान सहित कष्ट भोगे तथा यह पुरुष आरोग्य को प्राप्त करे। हे अग्नि, दूध में, मठे में एवं कृषि द्वारा पके हुए अन्न में प्रविष्ट होकर जो पिशाच इस पुरुष को नष्ट करने की इच्छा कर रहा है, वह अपनी संतान के साथ कष्ट भोगे एवं यह पुरुष रोग रहित हो जाए। जिस पिशाच ने मुझे जल पीने में, यात्रा करने में तथा सोते समय पीड़ित किया है, हे अग्नि, वह संतान के सहित इसी प्रकार का कष्ट भोगे एवं यह पुरुष रोग रहित हो जाए। हे अग्नि, मुझे रात और दिन में यात्रा करते समय और सोते समय जिस मांस भक्षी पिशाच ने पीड़ित किया है, वह अपनी संतान सहित कष्ट भोगे तथा यह पुरुष निरोग हो जाए। हे अग्नि, तुम मांस भक्षी, रुधिर पीने वाले तथा मन को कष्ट देने वाले पिशाच को नष्ट करो। अश्व के स्वामी इंद्र उसे अपने वज्र से मारें तथा सोम उसका शीश काट लें। हे अग्नि, तुम सदा से राक्षसों का मर्दन करते आए हो। राक्षस युद्ध में तुम्हें कभी नहीं जीत सकते। तुम मांस भक्षियों को जला दो, ये तुम्हारे दिव्य अस्त्र से बच ना सके। हे अग्नि, इस मनुष्य का जो ज्ञान और मांस नष्ट हो गया है उसे तुम पुनः इसके शरीर में लाओ। यह सोमलता के अंकुर के समान पुष्ट हो तथा इसके अंग प्रत्यंग पूर्ण हो। हे अग्नि, सोमलता के अंकुर के समान पुष्ट होने के कारण इस पुरुष के अंग प्रत्यंग पूर्णता को प्राप्त हो। इस गुणवान पुरुष को जीवित रहने के लिए निरोग कीजिए। हे अग्नि, तुम्हारी ये समिधाएं पिशाचों को नष्ट करने वाली हैं।
हे जातवेद, इन संविधाओं को प्राप्त करके तुम प्रसन्न हो जाओ। हे अग्नि, त्रशा शांत करने वाली इन संविधाओं को घी के साथ ग्रहण करो। जो राक्षस इस पुरुष के मांस की इच्छा करता है, वह अपने कार्य से विमुख हो जाए।